इतनी गंदी आईब्रोज मैंने आज तक फिल नहीं करी, बहुत गंदी है, बहुत बहुत ज्यादा गंदी। देख लो भाई, लाइनर ब्रश से आईज में का पैसा हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ब्यूटी इंसे। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ मेकअप चैलेंज, रॉन्ग ब्रशेज मेकअप चैलेंज। वैसे तो मैं हमेशा आपको अपनी वीडियोस में मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर और हेयर स्टाइल ही दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मेकअप चैलेंज भी किया जाए, एक मेकअप गेम खेलना चाहिए। इससे पहले मैंने कभी भी अपने यूट्यूब वीडियोज में कभी भी मेकअप चैलेंज नहीं किया, ना ही कोई गेम खेला है, तो मैंने सोचा थोड़ा ये भी होना चाहिए, मेकअप के साथ थोड़ी छेड़छाड़ होनी चाहिए। तो देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या होता है। रॉन्ग ब्रशेज मेकअप चैलेंज है, पता नहीं कौन से मेकअप प्रोडक्ट के साथ कौन सा ब्रशेज आएगा, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि मैं मेकअप कैसे करूंगी रॉन्ग ब्रशेज के मेकअप के साथ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गेम समझा देती हूँ है क्या। तो ये है कुछ चिप्स, इसमें मेकअप ब्रशेज लिखे हुए हैं और ये है मेरे मेकअप प्रोडक्ट। मेकअप मैं उसी ऑर्डर में करूंगी जिस ऑर्डर में हम करते हैं। सो पहले जो मैं मेकअप प्रोडक्ट लूंगी उसके साथ मुझे एक चिट पिक करनी पड़ेगी एंड इसमें ब्रशेज के नेम लिखे हुए हैं। तो कौन से मेकअप प्रोडक्ट के साथ कौन सा ब्रश आएगा वो मुझे नहीं पता, जो भी ब्रश आएगा उसी से मुझे मेकअप करना पड़ेगा। सो स्किन केयर मैंने कर लिया, स्किन केयर करके मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सो मेकअप में सबसे पहले हम लगाते हैं प्राइमर। तो प्राइमर मैंने ले लिया है, प्राइमर ये प्राइमर है मिलाप का प्राइमर, ये बहुत अच्छा प्राइमर है और स्किन के लिए तो काफ़ी बेस्ट है। सो अब बारी है चिक पिक करने की, तो देखते हैं, आइस क्लोज कर लेती हूँ चीटिंग। तो देखते हैं कौन सा ब्रश आता है। ओ माय गॉड, आइस ब्लेंडिंग ब्रश, आइस ब्लेंडिंग ब्रश से मुझे प्राइमर लगाना है। ओ माय गॉड, इसको मैं अब साइड रख देती हूँ, उसको तो अब यूज़ नहीं करना। सो मैं पहले प्राइमर ले लेती हूँ, उसके बाद में लेती हूँ आइस ब्लेंडिंग ब्रश। निकल जा। तो इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी पहले, और मैं आइस ब्लेंडिंग ब्रश, सो ये वाला मैंने आई ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है आई ब्लेंडिंग ब्रश से। अब मैं प्राइमर को लगाऊंगी, खैर लग रहा है ठीक से, इतना बेकार भी नहीं है और उतना अच्छे से नहीं लगेगा जितना अच्छे से हम हाथ से लगा सकते हैं। सो ओके, लग गया पर बहुत अच्छे से नहीं लगा जितना अच्छे से लगना चाहिए, ठीक है इतना बुरा भी नहीं है। सो इस ब्रश को मैं साइड रख दूंगी। अब आते नेक्स्ट हम लगाते हैं करेक्टर, देखते हैं करेक्टर। करेक्टर के लिए मैंने इनसाइड का ही करेक्टर लिया है, तो देखते हैं करेक्टर के लिए कौन सा ब्रश आता है। आइस क्लोज, तो ये मैंने चिप पिक कर ली है और देखते हैं ब्लशर ब्रश। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा गेम खेल लिया मैंने। तो ये रहा मेरा ब्लशर ब्रश और इससे मुझे करेक्टर लगाना है, इससे कैसे लगाऊंगी मैं, तो कुछ इस तरीके से मुझे पिक करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, चलो फिलहाल लग ही रहा है जैसे तैसे। वैसे अच्छा है, लगा सकते हैं इससे भी हम साथ साथ में, ये लगने के साथ साथ में ये ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। लगाते जाओ, ब्लेंड करते जाओ, डार्क एरियाज पे इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। लगाओ और ब्लेंड करते जाओ। एंड इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की, इनसाइड का ये मैट फाउंडेशन। सो अब इसके लिए चेक पिक करती हूँ क्या आता है। चलो आइस क्लोज, पाउडर ब्रश, पाउडर ब्रश से मुझे फाउंडेशन ब्लेंड करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, अच्छा गेम लिया मैंने, बहुत ही अच्छे से मेकअप होगा। सो मैं फाउंडेशन निकाल लेती हूँ पहले, आई थिंक इतना इनफ होगा। से मिक्स करूँगी एंड इसे अपने फेस पे पहले फिंगर से मैं अप्लाई करूँगी, डॉटेड फॉर्म में मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। तो ये रहा पाउडर ब्रश, इससे मैं अब फाउंडेशन, ओ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, थैंक गॉड। फाउंडेशन के लिए लाइनर ब्रश नहीं आया तो मैं कैसे ब्लेंड करती हूँ, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, इट्स अमेजिंग। मतलब हम पाउडर ब्रश से भी हम अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। सो फाउंडेशन मेरा ब्लेंड हो चुका है, वाओ आई एम सो हैप्पी।
सो अब बारी आती है कंसीलर की। तो उसके लिए मैंने लिया है मेबलिन फिटमी का कंसीलर। इसे तो मैं पहले से ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ब्रश चूज करूँगी कि किस ब्रश से मुझे इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो इतना काफ़ी होगा, मैं ब्रश चूज करती हूँ, देखते हैं क्या आता है। माय गॉड, सो आईज क्लोज की हुई है मैंने, नो चीटिंग, पिक कर ली मैंने चीट, तो देखते हैं वो गॉड अच्छा सा आ जाए कुछ। वाओ, कंसीलर ब्रश, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इस चीट को मैं साइड रख देती हूँ एंड मैं ले लेती हूँ कंसीलर ब्रश। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी। ये ले लिया मैंने कंसीलर ब्रश एंड ये मेरा छोटा सा मिरर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे गिफ्ट में मिला था, बहुत अच्छा है ये। तो मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। सो मैंने कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बारी आती है पाउडर सेटिंग की। सो पाउडर सेटिंग के लिए मैंने लिया है इनसाइड का HD लूज पाउडर। सो इसके लिए देखते हैं कौन सी चिट आती है। तो आइस क्लोज देखते हैं, पाउडर ब्रश तो नहीं आएगा इन्हें। फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, सो ब्लेंडिंग ब्रश से मुझे पाउडर सेटिंग करनी है। और मेरा फाउंडेशन पैक का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश और इससे मैं पाउडर सेटिंग करूँ। तो इस तरीके से मैं पाउडर ले लूँगी। पाउडर सेटिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रही है इससे, सो हम ब्लेंडिंग ब्रश से ही भी पाउडर सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आईब्रो फिल करूँगी। आईब्रो फिलिंग के लिए देखते हैं कौन सी चिट आती है। कर ली मैंने, सो देखते हैं। ओह, ये तो खाली है यार, ये किसने डाल दिया। चलो हटाओ इसे, देखते हैं। हाइलाइटर ब्रश, इससे मैं अपनी आईब्रोज कैसे फिल करूंगी, करनी पड़ेगी चैलेंज। तो मैंने सो इस ब्यूटी का ये आईब्रो फिलर 2-in-1 जेल लाइनर ले लिया है एंड ये रहा मेरा स्मॉल हाइलाइटर ब्रश, इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, देखते हैं कैसे। सो इस तरीके से मुझे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वो फिल करते हैं। हे भगवान, अच्छे से फिल कर देना, बहुत ही केयरफुली करूंगी मैं। हो भी रही है, हो तो रही है, थोड़ी थोड़ी करूंगी मैं डिफरेंस। हाँ हो रही है, थोड़ी थोड़ी तो हो ही रही है, इसलिए मैंने स्मॉल वाला ब्रश लिया था। अगर बड़ा वाला लेती तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इतनी गंदी आईब्रोज मैंने आज तक फिल नहीं करी, बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी। मैंने अपनी आईब्रोज को बहुत ही गंदी तरीके से फिल कर लिया है, आज तक मैंने कभी नहीं करी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैं करूँगी पाउडर कॉन्टोर। इसके लिए मैंने अलग कलर्स का पाउडर कॉन्टोर लिया है ये वाला। और चलो देखते हैं, चिट पिक करते हैं। और अरे आ जा, तो मैंने चिट पिक कर लिया, देखते हैं। वाओ, कॉन्टोर ब्रश के लिए कॉन्टोर ब्रश, तो ये भी सोने पे सुहागा हो गया, इसे साइड में रखते हैं। ये मैं लेती हूँ कॉन्टोर ब्रश, इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, इसे मैं ले लूँगी और पाउडर कॉन्टोर करूँगी इस तरीके से डैब डैब करके। वाओ, चलो कुछ तो अच्छा आया, पर आईब्रोज को तो बुरा ही हल कर दिया मैंने अपनी। सो इस तरीके से मैं पाउडर कॉन्टोर कर लूँगी। ये लिए मैंने एनी लेडी की ब्रश पैलेट। सो अब देखते हैं, पिक कर ली मैंने, अब देखते हैं। फाउंडेशन फ्लैट ब्रश, इससे कैसे लगाऊंगी मैं। मेरा फाउंडेशन फ्लैट ब्रश, इस तरीके से मैं इसे ले लूँगी और ज़्यादा नहीं लूँगी, पता चले बहुत ज़्यादा हो गया। सो चलो करते हैं अब। गॉड, लग तो गया लेकिन ब्लेंड नहीं हो पा रहा है ये बिल्कुल भी।
पता ही नहीं चल रहा कि मैंने ब्लश लगाया भी है, थोड़ा और लगाना पड़ेगा। नहीं लग पा रहा यार इससे, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लग पा रहा, ना ही ब्लेंड हो रहा है, ना लग ही नहीं रहा, तो ब्लेंड कहाँ से होगा। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर लगाऊंगी अपने, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही, आंखें बंद करके इसलिए कर रही हूँ मैं। आईब्रो ब्रश, आईब्रो ब्रश से मैं हाइलाइटर कैसे लगाऊंगी यार। ये है मेरा आईब्रो ब्रश, ये लिया मैंने हाइलाइटर, और ये तो सीधी सीधी लाइन क्रिएट कर दी यार इसने, तो उसको ब्लेंड कैसे करूंगी मैं, हाथ से नहीं कर सकती क्योंकि मेकअप चैलेंज है। छी छी छी, इतना गंदा हाइलाइटर, ये तो ब्लेंड ही नहीं हो रहा। चलो नोज पे तो कम से कम ढंग से लगा, इतना गंदा मेकअप मैंने आज तक नहीं किया। अब मैं करूँगी अपना आईज मेकअप, उसके लिए मैंने स्विस बीट का लिक्विड आई शेडो लिया है, और से ज़्यादा और मैं कुछ नहीं लेना चाहती। सो देखते हैं, तीन ही बची हैं, क्या आएगा क्या आएगा। लाइनर ब्रश लगाओ, अब आई शेडो लगाओ लाइनर ब्रश से। तो मैं इस तरीके से ले लूँगी, कोई नो चीटिंग नहीं कर लूँगा बिल्कुल भी। बहुत ही गंदा है इसमें, पर बहुत 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 ज़्यादा। सो मैं एक गेम खेल के बिल्कुल ही जोकर बन चुकी हूँ, बट मज़ा भी आ रहा है क्योंकि मेकअप भी जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए देख लो भाई लाइनर ब्रश से आईज मेकअप ऐसा हुआ है। अब मैं लाइनर लगाऊंगी, लाइनर ब्रश तो यूज़ हो गया, अब मैं लाइनर किससे लगाऊंगी, एक ही बचा है, उसके बाद लिपस्टिक बची है मेरी। वो ठीक है कुछ अच्छा सा ही आ गया है। लिपस्टिक ब्रश से मुझे लाइनर लगाना है, मैंने गेम चूज किया था, ये रहा मेरा लिपस्टिक ब्रश, और इससे मैं लगाऊंगी लाइनर। तो मैं जेल लाइनर लगाऊंगी, इजी रहेगा। तो ये मैंने ले लिया है जेल लाइनर, और इसमें मेरा मैं देख के लगाऊंगी। तो छी, मेरा आईज मेकअप कितना गंदा हुआ है। चलो अच्छा है लिप ब्रश आया, अगर लाइनर के लिए फाउंडेशन ब्रश आता तो मैं कैसे लगाती। तो मेरा लाइनर लग गया, आईज मेकअप हो गया। मुझे पता है बहुत ही ज्यादा वाहियात मेरा आईज मेकअप हुआ है। लिपस्टिक बचती है लास्ट, नहीं लिपस्टिक मुझे मस्कारा लगाना है, मस्कारा तो हम ऐसे ही लगा लेंगे यार, उसकी क्या जरूरत है, ब्रश तो की ज़रूरत तो है नहीं इसमें, तो हम ऐसे ही लगा लेंगे। साफ मत करने की क्या ज़रूरत है यार, हे भगवान। स्मर्ज ब्रश इसको मैं क्लीन कर लूँ, वरना मेरे लिप्स ब्लैक हो जाएंगे। ये रही मेरी मैक की लिपस्टिक, ये ली मैंने इसमें लिपस्टिक, आज तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी कर लिया मैंने। वाओ अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है इससे, तो मैं इसी से लिपस्टिक लगाया करूँगी अब। जो पता है मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा गंदा हुआ, बट लिपस्टिक अच्छी लग रही है। सो मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो सबसे गंदा क्या लग रहा है आप कमेंट में बताओ, मुझे सबसे गंदा लग रही, सबसे गंदा मेरा आईज मेकअप है, और उससे भी गंदी है मेरी आईब्रोज। लिपस्टिक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इसमें, आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आप बताओ। और फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया था, और पाउडर भी बहुत अच्छे से लग गया था, बस सबसे गंदा आईज मेकअप है, और आईब्रोज तो उससे भी ज़्यादा वाहियात है, छी। सो गाइज ये रहा रॉन्ग ब्रश से क्या हुआ मेरा ये वाहियात सा मेकअप लुक, थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत मज़ा आया मेकअप करते हुए, क्योंकि मेकअप बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि गलत ब्रशेज आ रहे थे तो मैं सोच नहीं पाती है कि यार कैसे मेकअप करूँ मैं इससे।
तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, एंड मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी फिर आपके लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।